वेलकम एवरीवन। तो हम स्टार्ट करने लगे हमारी नोज़ का एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है एपिस्टैक्सिस। ठीक है, एपिस्टैक्सिस हमारी नोज़ से रिलेटेड है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वजह से बिकॉज आपका SEQ में आता है, आपके MCQs में तो आते ही आते हैं, और उसके साथ आपका ये वार्ड से रिलेटेड यानी आपका ऑस्पी वाइवा का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लिनिकली इतना ज़्यादा प्रेजेंट होता है कि जिसकी कोई हद नहीं। ठीक है, तो एपिस्टैक्सिस क्या है? सिंपली ब्लीडिंग फ्रॉम इनसाइड द नोज़। ठीक है, नोज़ के अंदर किसी भी एरिया से अगर ब्लीडिंग होगी तो उसको एपिस्टैक्सिस कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो कि एपिस्टैक्सिस के आपको पता है कि बच्चों का अक्सर नाक से खून आ जाता है, तो इस वजह से इसकी मैनेजमेंट, ये क्यों आता है, क्या सारा सिलसिला है, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। शुरू करने से पहले वी हैव टू नो द ब्लड सप्लाई ऑफ नोज। जाहिर है अगर ब्लड सप्लाई पता होगी तो ही पता चलेगा कि ब्लड किधर से निकल के आ रहा है, और फिर ही हम उससे को मैनेज कर पाएंगे। बहुत सिंपल है, मैं भी बताती हूँ आपको। हमारे पास नोज में है ही मेजर दो एरियाज, एक दरमियान में वी हैव अ नेजल सेप्टम। ठीक है, अगर ये हमारी नोज है सामने से तो ये दरमियान में ऐसे करके सेप्टम है, और साइड पे एक ये लैटरल वॉल है और एक ये लैटरल वॉल है। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरी की पूरी नोज बन जाती है। तो इसमें हमारे पास एक हम बात करेंगे सेप्टम की क्या ब्लड सप्लाई, दूसरी हम बात करेंगे लैटरल वॉल ऑफ नोज की क्या ब्लड सप्लाई। ठीक है, आपको जो फेस के एरिया में या हेड एंड नेक में जो मेन पूरी दो आर्टीरियल सप्लाईज आती है वो है हमारी कैरोटिड आर्टरी। ऐसे ही ना, हार्ट से निकलती है कॉमन कैरोटिड आर्टरी और डिवाइड होती है इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरीज में। ये इंटरनल एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरीज ही आपके सारे हेड एंड नेक के रीजन को ब्लड सप्लाई देती है। ठीक है, तो आपने बस इतनी बात याद रखनी है कि हमारे पास जो नोज में आ रही है ब्लड सप्लाई, नेजल सेप्टम में भी और लैटरल वॉल ऑफ नोज में भी, जो इंटरनल कैरोटिड सिस्टम से चीज आ रही है दैट इज सिंपली एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एथमोइडल आर्टरीज। बस दो नाम याद रखने। ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर अलग है और पोस्टीरियर अलग है, क्योंकि ये एरिया नोज में एथमोइड बोन आती है, तो उससे आप याद रख लें कि एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एथमोइडल आर्टरी सेप्टम में भी है, और सेम यही एंटीरियर और पोस्टीरियर एथमोइडल आर्टरी में भी, आपको डायग्राम भी दिखाऊंगी तो आपको समझ ज्यादा आ जाएगा, लैटरल वॉल ऑफ नोज में भी है जो ब्लड सप्लाई कर रही है। ठीक है, तो यही दो आर्टरीज हैं जो इंटरनल कैरोटिड सिस्टम से आ रही हैं। आपका इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आपको पता है ना कि वो अंदर अंदर की तरफ ट्रेवल करती है, फिर वो ब्रेन में जाकर ब्रेन की सारी सप्लाई बनाती है। ठीक है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जरा बाहर बाहर की सप्लाई होती है, जरा आपके फेस के और नीचे नेक के रीजन की सारी सप्लाई होती है। तो एक्सटर्नल कैरोटिड सिस्टम से हमारे पास जो नोज में सप्लाई आ रही है, नेजल सेप्टम में भी और लैटरल वॉल में भी। अब आपने याद रखने सिर्फ दो नामों को मेन। ठीक है, इसकी 8 ब्रांचेस होती है टोटल एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की। हमें इस वक्त 8 की 8 ब्रांचेस से कोई कंसर्न नहीं, हमें सिर्फ दो मेन ब्रांचेस से कंसर्न है, एक मैक्सिलरी ब्रांच और एक फेशियल ब्रांच। मैक्सिलरी साइनस से आप याद रखेंगे कि हमारे पास, क्योंकि साइड पे मैक्सिलरी साइनस होता है तो मैक्सिलरी ब्रांच नोज के लिए आ रही है, और फेशियल ब्रांच फेस पे नोज है तो फेशियल ब्रांच भी आएगी। अच्छा, अब उसमें मैक्सिलरी ब्रांच में से उसकी मजीद दो ब्रांचेस होती हैं, स्फिनोपैलेटाइन एंड ग्रेटर पैलेटाइन। सेप्टम में भी यही दो हैं और मैक्सिलरी की यही दो, स्फिनोपैलेटाइन एंड ग्रेटर पैलेटाइन। लेटरल वॉल में भी यही दो है। ठीक है, लेकिन क्या डिफरेंस है? जब आप कहेंगे कि मैक्सिलरी जो एक्सटर्नल कैरोटिड की मेन 8 ब्रांचेज हैं, उनमें से जो मैक्सिलरी डिवीजन है उसकी स्फिनोपैलेटाइन एक ब्रांच है, जिसमें से स्फिनोपैलेटाइन का जो पार्ट स्पेसिफिक सप्लाई करेगा ये क्या है, हमारा नेजल सेप्टम को। नेजल सेप्टम कहाँ है? मिडिल में प्रेजेंट है ना, तो सिंपली जो स्फिनोपैलेटाइन का पार्ट होगा वो होगा मीडियल नेजल ब्रांच। ठीक है, मीडियल नेजल ब्रांच, क्योंकि मीडियल है सेप्टम, और स्फिनोपैलेटाइन का वो पार्ट जो लैटरल वॉल को सप्लाई करेगा वो होगा लैटरल नेजल ब्रांच। दैट्स इट, आपने और कुछ भी बात नहीं याद रखनी। ये तो मैंने आपको पूरा पाथवे बताया ना कि कहाँ से शुरू हुई थी बात। आप सिर्फ स्फिनोपैलेटाइन की बात करेंगे तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। आप सिर्फ कहें कि हमारे पास जो नोज की सप्लाई है उसमें नेजल सेप्टम में इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से वी हैव एंटीरियर पोस्टीरियर एथमोइडल आर्टरी, एंड एक्सटर्नल कैरोटिड से वी हैव स्फिनोपैलेटाइन आर्टरी की ब्रांच। आप इतना भी कह दें तो काफ़ी है, ज़्यादा अच्छा लगेगा आप कहेंगे स्फिनोपैलेटाइन की मीडियल नेजल ब्रांच फॉर सेप्टम, क्योंकि वो मिडल में है, एंड लैटरल नेजल ब्रांच फॉर लैटरल वॉल, क्योंकि वो लैटरल वॉल में है। तो इतना सिंपल है याद रखना। ठीक है, सेम यही आप ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी के लिए अप्लाई करेंगे कि ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी की जो एक ब्रांच है जो मैक्सिलरी आर्टरी से आ रही है, ठीक है, मैक्सिलरी आर्टरी की मतलब ब्रांच है ग्रेटर पैलेटाइन, तो जो उसकी मीडियल ब्रांच है वो सेप्टम के लिए, जो उसकी लैटरल ब्रांच है वो लैटरल वॉल के लिए। दैट्स इट, और कोई मुश्किल बात नहीं याद रखनी। तो ये मैंने आपको पूरा पाथवे इसलिए बताया कि आपके जहन में बैठा हुआ हो कि शुरू कहाँ से हुई थी बात, कोई आपसे पूछे तो यू कैन नो, वरना आप सिर्फ स्फिनोपैलेटाइन और ग्रेटर पैलेटाइन नाम भी याद रखें तो इट्स फाइन। ठीक है, और तीसरी जो हमारी ब्रांच है वो फेशियल नर्व की ब्रांच है। तो फेशियल नर्व की कौन सी ब्रांच होगी? जाहिर है सेप्टम को जो जा रही है इट विल बी सेप्टल ब्रांच। ठीक है, सेप्टल ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी, और जो लैटरल वॉल को जा रही है फेशियल नर्व की ब्रांच वो सिंपली मतलब एक ब्रांच है, उसका कोई खास नाम नहीं, आप कह दें ब्रांच टू द लैटरल वॉल। इसलिए ये बहुत आसानी से आपकी ब्लड सप्लाई पूरी हो जाती है आपकी नोज़ की। तो इस तरह आपने ये जहन में रखना है कि हमारे पास इंटरनल कैरोटिड से ये और एक्सटर्नल कैरोटिड से स्फिनोपैलेटाइन, ग्रेटर पैलेटाइन एंड फेशियल, आप तीन मेन नाम याद रखें। और वैसे भी ये स्केच अगर आपके जहन में रहेगा तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। यहाँ पर होगी हमारी मेन ब्लड सप्लाई खत्म। अब
जब हम देखते हैं इसको कि ये तो हमने बात कर ली ना इन जनरल कैसे कहाँ आ रही थी कि हमारे पास जो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया ये तो मेन मेन होगी हमारी वेसल्स और सब कुछ। अच्छा यहाँ पर जो फेशियल की ब्रांच आ रही है ना, जो सेप्टल ब्रांच है, जो सेप्टम में आ रही है बेसिकली, वो ब्रांच अगर हम मैं मज़ीद इसको थोड़ा सा डिटेल में जाऊँ तो फेशियल आर्टरी की ब्रांच होती है सुपीरियर लेबियल आर्टरी। लेबिया का वर्ड आपके ना लिप्स के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, और वो लेबियल आर्टरी की फिर ब्रांच होती है सेप्टल ब्रांच। ठीक है, मैं वैसे बता रही हूँ कि अगर आपको कभी ये एग्जाम आए तो आपने जहन में रखना है। अब हमारे पास हम जरा सेप्टम को अगर देखें, ये मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, सपोज करते हैं कि दिस इज़ योर नेजल सेप्टम, ठीक है, ऐसे करके। अब नेजल सेप्टम को अगर हम चार क्वाड्रेंट्स में ऐसे करके डिवाइड करें, ठीक है, ये अपर एंड एंटीरियर, ये लोअर एंटीरियर या इन्फीरियर एंड एंटीरियर, ये अपर पोस्टीरियर और ये लोअर पोस्टीरियर। तो जो एंट्रो इन्फीरियर क्वाड्रेंट है, यानी जो एंटीरियर भी है ज़्यादा और जो इन्फीरियर है, यहाँ पर आपके आपके चार वेसल्स एनास्टोमोस करेंगी जो सेप्टम को सप्लाई कर रही है। अब सेप्टम की जो चार वेसल्स यहाँ एनास्टोमोस करेंगी, उसमें सबसे पहले वी हैव जो एथमोइडल आर्टरीज हैं, ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर एथमोइडल, या इसमें ज़ाहिर है एंटीरियर है तो ये एंटीरियर एथमोइडल आएगी यहाँ पर। उसके बाद जो सेप्टम को सप्लाई करी है वो कौन कौन सी है, स्फीनो पैलेटाइन की ब्रांच और ग्रेटर पैलेटाइन की सेप्टल ब्रांच, ये भी दोनों आ जाएंगी, ग्रेटर पैलेटाइन की, स्फीनो पैलेटाइन की, ठीक है। और आखिर में फेशियल आर्टरी की लेबियल आर्ट जो ब्रांच है, लेबियल आर्टरी उसकी जो सेप्टल ब्रांच है, या फिर अगर मैं डायरेक्टली कहूँ आसानी से फेशियल आर्टरी की सेप्टल ब्रांच। तो ये चारों ब्रांचेस जो मैं हमने पढ़ी है, 1, 2, 3 और 4, यहाँ पर आके एंट्रो इन्फीरियर एरिया ऑफ सेप्टम में एनास्टोमोस करती है। तो एनास्टोमोस से प्लेक्सिस जो बनता है इसको हम कहते हैं, दिस इज नोन एज द किसल बैग्स प्लेक्सिस, ठीक है। ये जो किसल बैग्स प्लेक्सिस होता है, दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट बिकॉज आपका ये जो एंट्रो इन्फीरियर एरिया ऑफ नोज है, आपको पता है कि यहाँ से अगर हम बच्चे स्पेशली फिंगर इंसर्ट करते हैं तो ये एरिया सबसे ज़्यादा ट्रॉमा वाला एरिया होता है। यहाँ पर नोज प्रिकिंग का ट्रॉमा या कोई भी इंटीरियरली ऑब्जेक्ट का ट्रॉमा सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। तो इस वजह से इस एरिया में अगर डैमेज होगा तो एकदम से ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, जो बच्चों में एपिस्टैक्सिस की सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज होती है, ठीक है। तो इसको इसलिए आपने याद रखना, किसल बैग्स प्लेक्सिस, ये इतना इंपॉर्टेंट वाइवा का MCQ ACQ का क्वेश्चन है, किसी की कोई हद नहीं, पहले भी पढ़ा होगा अपने एनाटॉमी में, अभी फिर से रिपीट हो गया, तो इसलिए आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अच्छा उसके बाद हमारे पास एक प्लेक्सिस और सिचुएटेड होता है इन लैटरल वॉल में, ठीक है, जो हमारे पास लैटरल वॉल की सारी हमने भी पढ़ी है ना वेसल्स, इनका जो आपस में प्लेक्सिस बनता है वो आपकी अगर यही चीज़ में लैटरल वॉल सपोज है, और लैटरल वॉल में आपको होता है कि सबसे पहले वी हैव सबसे ऊपर सुपीरियर टर्बिनेट, फिर ऐसे मिडल टर्बिनेट और फिर इन्फीरियर टर्बिनेट है। तो जो इन्फीरियर टर्बिनेट है इसके पीछे इन्फीरियर मिएटस वाले एरिया में हमारे पास वेसल्स एनास्टोमोस करती है, यहाँ पर एक प्लेक्सिस बनता है, इसको हम कहते हैं वुडरफ्स प्लेक्सिस, ठीक है। पहले वाला किसल बैग्स था, ये वुडरफ्स, और वुडरफ्स प्लेक्सिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लीडिंग इन एडल्ट्स। एडल्ट्स में जो आपके ब्लीडिंग के केसेस होते हैं एपिस्टैक्सिस की, वो ज़्यादातर इसकी वजह से होते हैं क्योंकि वो एक्सीडेंटल ट्रॉमा में ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, और ये वाला जो है लोकल ट्रॉमा में ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, नोज प्रिकिंग वगैरह का, ठीक है। अब अगली वीडियो में हम करते हैं कॉजेज क्या है एपिस्टैक्सिस, अभी तक कोई मसला हुआ, यू कैन आस्क मी, थैंक यू।